प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कल शाम अजय पंडिता भारती जी, जो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या की गई मिलिटेंटों द्वारा। और हम जहां वो एक सरपंच जो है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सरपंच भी थे और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू यूटी के भी थे और बड़ा अच्छा कार्य जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस का कर रहे थे। कल उनकी हत्या की गई और ये हत्या डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला है, जे जमहूरियत के ऊपर हमला है, जे लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और मैं खसूस तौर पर कहूँगा कि जो कश्मीर घाटी के अंदर जहाँ कल पिछले 24 घंटे के अंदर 9 मिलिटेंटों को जो है मौत के घाट उतारा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है खुली छूट सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दी गई है। और उसी की बुकलाहट में जो है ये मिलिटेंटों ने एक हमला जो है निहत्थे सरपंच पर हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। हमें इस चीज़ का अफसोस है और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करता हूँ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी रीज़न सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सिक्योरिटी है। हम लोगों ने जब जहाँ ADGP सिक्योरिटी मुनीर खान थे उनसे हमने अपील की, मैं खुद उनसे 10 मरतबा मिला हूँ और मैंने गुजारिश की, हाथ जोड़े मैंने मुनीर खान साहब से कि आगे के भाई आप हमारे लोगों को, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, हम लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम करें। लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की और उसकी वजह यह बनी कि आज अजय भारती जी जो हैं हमारे बीच में नहीं रहे। अगर उनको सिक्योरिटी दी होती तो आज ये वारदात नहीं होती, आज उनकी हत्या नहीं होती। मैं इसमें ADGP सिक्योरिटी जो है उनको कहता हूं कि उन्होंने अगर हमारी बात मानी होती तो आज ये हत्या नहीं होती। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, हमारे 18 लोग जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और एक चीज़ और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे अजय पंडिता जी जिनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को जो है एग्जरेशिया जो है वो दिया जाए और कम से कम 20 लाख रुपया जो है उनकी फैमिली को कंपनसेशन दी जाए, ताकि कम से कम और लोग जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें भरोसा आए, उनको लगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सरकार हमारे साथ खड़ी है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, इस डेमोक्रेसी के ऊपर हमले को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तमाम जो जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाहे सैयद सलाउद्दीन क्यों ना हो, चाहे अजहर महमूद।